यकीन मानिए बड़ा दुख है इस खबर को बताते समय आपको। ये खबर आई गई, लोगों ने खबर की तरह कवर किया, और कवर करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों दुखी हूं। ये देखिए लिखा क्या है, बालौदा बाजार में 12 करोड़ रुपए जला दिए। क्यों कह रहा हूं और ये धधकती तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं आपको, 12 करोड़ रुपए जला दिए। इसका विश्लेषण मैं करूंगा आज, और इसका विश्लेषण इसलिए करूंगा क्योंकि दुख लगता है। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ में जब इस तरह की कोई घटना घट जाए तो केवल हमारी आपकी जिम्मेदारी इतनी नहीं है, या हम टीवी न्यूज चलाते हैं, न्यूज चैनल चलाते हैं, तो मेरी आपकी जिम्मेदारी इतनी नहीं कि घटना हो गई, घटना को हमने दिखा दिया, रिपोर्टर भेजकर सबसे पहले कवर कर लिया, और फिर उसके बाद समाज को ऐसे ही छोड़ दिया। ये नहीं होगा। ये विस्तार न्यूज है, आपका अपना चैनल है, आपको जिम्मेदार बनाएगा, आपको एहसास दिलाएगा। 12 करोड़ को आग लगा दी गई, 12 करोड़ फूंक दिए गए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं। सीधे मुद्दे की बात में आता हूं, आज आपको विस्तार से ये समझाऊंगा। मुद्दे की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार की बात करना जरूरी हो जाता है। बहुत दुखी मन से इस खबर को आपको बता रहा हूं। 10 जून को बालौदा बाजार में जो कुछ हुआ वो सारे देश ने देखा। हिंसा की ऐसी तस्वीरें छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी कलेक्टर और एसपी ऑफिस को ही आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन आज इस पर बात नहीं करूंगा कि ये हिंसा क्यों हुई, कैसे हुई, भाजपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, इस पर भी बात नहीं करूंगा। आज तो ट्वीट आया है, मायावती का भी ट्वीट आया है, क्योंकि विस्तार न्यूज ने पहले ही आपको सब कुछ विस्तार से बता दिया था, दिखा दिया था। मेरे बालौदा बाजार के साथी अजय यादव जब हिंसा की रिपोर्टिंग कर रहे थे तब उनकी बाइक जला दी गई थी। मेरे दूसरे साथी रवि वीरे ने भी तीन दिन तक लगातार बालौदा बाजार से रिपोर्टिंग की। खोमन साहू, रोहित मिश्रा, मृगेन पांडे, मेरे सभी पांचों साथी लगातार कई दिनों तक इस हिंसा से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। हमारे YouTube चैनल पर इससे जुड़ी कई स्टोरीज आपको मिल जाएंगी, आप लोगों ने लाखों की संख्या में देखा। लेकिन सीधे मुद्दे की बात में आता हूं, आज बात होगी इस हिंसा के बाद हुए नुकसान की। किसका नुकसान, धैर्य से सुनिएगा और बड़े ईमानदारी से सोचिएगा घर में बैठकर, किसका नुकसान हुआ? हमारे और आप जैसे आम नागरिकों का नुकसान हुआ है, हर उस टैक्स पेयर का नुकसान हुआ है जो देश के विकास के लिए टैक्स भरता है। और जितना नुकसान हुआ है उससे देश में क्या कुछ अच्छा हो सकता था? देखिए, ऐसी स्टोरीज कोई चैनल चलाता नहीं है, इसको कौन सुनाएगा? अरे भाई, हम कथा सुनने के लिए थोड़ी बैठे, ऐसी स्टोरीज कोई चैनल नहीं चला सकता। लेकिन देश में क्या कुछ हो सकता था उस 12 करोड़ रुपए में, उसके बारे में समझाने और समझने की कोशिश करूंगा, आपको एहसास दिलाऊंगा कि ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। इन 5 तस्वीरों से समझिए 10 जून को हुई हिंसा में क्या क्या आग के हवाले कर दिया गया। पहली तस्वीर, जला हुआ कलेक्टोरेट ऑफिस। दूसरी तस्वीर, जला हुआ एसपी ऑफिस। तीसरी तस्वीर, जली हुई कारें। चौथी तस्वीर, जली हुई बाइक। पांचवी तस्वीर, जली हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ी। पहली तस्वीर में जला हुआ कलेक्टोरेट ऑफिस दिख रहा है। जिले के मुखिया का ऑफिस, एक पूरा का पूरा जिला जिस ऑफिस से चलता है, वो ऑफिस जलकर खाक हो गया। जिले के सबसे ताकतवर व्यक्ति का ऑफिस, जरूरी कागजात धू धू कर जल उठे। दूसरी तस्वीर जिले के पुलिस मुखिया के ऑफिस की है, जिसके जिम्मे जिले का लॉ एंड ऑर्डर होता है, ये भी जलकर खाक हो गया, जिसे पूरे जिले की सुरक्षा करती है। तीसरी तस्वीरें उन गाड़ियों की है जो इस हिंसा के दौरान जला दी गई। 1, 2, 5 या 10 गाड़ी नहीं, पूरी 240 गाड़ियां, फिर से सुन लीजिए, 240 गाड़ियों को जला दिए गए, बाइकें जला दी गई। ये तस्वीर देखिए और नुकसान का अंदाजा लगाते जाइए। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखिए, ये एहसास करा रहा हूं मैं, ये खबर पुरानी है, इससे नया क्या कनेक्शन है ये सब बताऊंगा आपको। सरकारी गाड़ी, निजी गाड़ी, हमारे और आपके जैसे आम नागरिकों की गाड़ी, 240 गाड़ियां 10 जून को जलाकर राख कर दी गई। छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ था। सरकारी ऑफिस, गाड़ियां, ये सब जो जलकर खाक हो गया, इसकी कीमत क्या थी?
वही 12 करोड़ रुपए जिसका जिक्र मैंने अपनी खबर की शुरुआत में किया था। ये आंकड़े किसने दिए? ये आंकड़े दिए हैं बालौदा बाजार के कलेक्टर और एसपी ने। जब हिंसा में हुए नुकसान का आकलन किया गया तो पता चला कि करीब 12 करोड़ की संपत्ति जलकर खाक हो गई। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है। सोचिए कलेक्टर एसपी कार्यालय जैसी बड़ी इमारतें जला दी जाएं, 240 गाड़ियां खाक हो जाएं, तो इनकी कीमत क्या हो सकती है? असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा अधिक होगा, लेकिन फिर भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही अगर आपको समझाऊं तो जो 12 करोड़ रुपए जलकर खाक कर दिए गए हैं उनसे क्या क्या हो सकता था। खबर यह है, खबर जो मैं अब आपको बताऊंगा यह है कि क्या क्या हो सकता था 12 करोड़ रुपए में। 12 करोड़ रुपए जो जला दिए गए, उन 12 करोड़ रुपए में क्या क्या हो सकता था ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे साथी ने कुछ इकोनॉमिस्ट से बात की है, वो लोग जो अर्थशास्त्र को समझते हैं। 12 करोड़ से 40 गांवों में प्राथमिक स्कूल खोले जा सकते थे। एक स्कूल के पीछे सरकार को करीब 30 लाख खर्चा करना पड़ता है। 12 करोड़ से करीब 600 हैंडपंप लगाए जा सकते थे। याद कीजिए गांवों की उस पृष्ठभूमि को, याद कीजिए उन गांवों जहां बिजली की पहुंच नहीं है, जहां पानी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही विस्तार न्यूज में मनेंद्रगढ़ के हमारे साथी दिखा रहे थे कि कैसे दूर दूर से वो पानी लाकर पीने, गंदा पानी पीते हैं। एक हैंडपंप लगाने में करीब 2 लाख का खर्च आता है, 2 लाख का। इन जले हुए 12 करोड़ रुपए से 1100 मजदूरों को साल के पूरे 365 दिन रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता था। आप समझ रहे हैं, मनरेगा मजदूरों की समस्या आप जिस जिले में चले जाइए उस जिले में आपको मिल जाएगी। मनरेगा के मजदूर वहां आपको ये कहते सुनाई देंगे कि हमारा इतने दिन से भुगतान ही नहीं हुआ। कितने मजदूरों का भुगतान हो सकता था? तो अब आप समझ गए कि इन 12 करोड़ रुपयों का क्या महत्व है। लेकिन क्या नुकसान बस पैसों का हुआ? नहीं। जब इन कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आग लगाई गई तो यहां 150 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे। उपद्रवियों ने पूरी बिल्डिंग को घेर रखा था। ये सभी 150 कर्मचारी अपनी जान बचाने यहां वहां भाग रहे थे। बालौदा बाजार के कलेक्टर और एसपी की माने तो इस घटना के बाद कई कर्मचारी अवसाद में रहे, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। उन्हें स्ट्रेस से बाहर निकालने कई दौर का सेशन चलाना पड़ा। ये खबर आपको कोई नहीं बताएगा। अब इस मानसिक नुकसान का ना तो कोई आकलन हो सकता है और ना ही इसकी कोई क्षतिपूर्ति हो सकती है। कई ऐसे महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड जल गए जिन्हें अब रिकवर करना लगभग नामुमकिन जैसा है। सोचिए यह आगजनी किसने की, यह हिंसा किसने की? जांच के बाद सरकार और पुलिस ने दावा किया है कि उपद्रवियों में कई बाहरी लोग थे, क्योंकि सतनामी समाज के लोग गुरु घासीदास के अनुयायी हैं जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही इस हिंसा की निंदा की है। खुद सतनामी समाज के धर्मगुरु और बड़े नेता इस हिंसा के बाद दुखी नजर आए। इस हिंसा ने बालौदा बाजार जिले को कई दिन पीछे ढकेल दिया। वहां अब धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही हैं। 13 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, करीब 140 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, आगे और भी गिरफ्तारी होगी। पूरी घटना की जांच के लिए पुलिस, न्यायिक जांच, आयोग, भाजपा, कांग्रेस सभी ने अपनी अपनी अलग कमेटी बनाई। जांच में जो भी आए, जो भी, लेकिन जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई अब संभव है? नहीं है। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश में कभी इस तरह या किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो। ऐसी हिंसा से नुकसान किसका होता है? हमारा और आपका होता है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की बदनामी हुई है। याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, छत्तीसगढ़ में इस तरह की हिंसा हुई है ये पूरे देश ने देखा है। क्या हम एक प्रदेश के नागरिक होने के नाते इस तरह की हिंसा और इस तरह की बदनामी अपने प्रदेश को दे सकते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। संजय, मेरे सहयोगी, जब इस पूरी रिपोर्ट को तैयार कर रहे थे तो संजय, हमेशा आपका रिसर्च ऐसा होता है कि मायावती ने आज ट्वीट किया,
दलित समाज को प्रतिनिधित्व करने का दावा करती हैं। 10 जून की खबर है संजय, और ट्वीट कब हो रहा है तारीख देख लेता हूं, 25 जून को। लेकिन हम और आप जो निकाल कर सामने लेकर आए हैं वो कितना दुखद है इस समाज के लिए और खासकर हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए। संजय, बिल्कुल, मायावती अपने ट्वीट में कहती हैं कि शांति बनाए रखें। विष्णुदेव साय सीएम जो है वो भी कहते हैं कि मायावती का धन्यवाद शांति बनाए रखने की अपील के लिए। मुद्दे की बात यह है कि जब ये आगजनी हुई, खनिज विभाग, आबकारी विभाग, पुलिस विभाग के कई ऐसे दस्तावेज जल गए जिन्हें अब रिकवर करना लगभग नामुमकिन है। ये दस्तावेज, इनकी क्षतिपूर्ति की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये दस्तावेज जिनमें रिकॉर्ड दर्ज था, क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड दर्ज था, वो रिकॉर्ड्स जला दिए गए। आबकारी विभाग के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड थे, खनिज विभाग के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड थे। कितनी मुश्किल होगी संजय जो आप बात कह रहे हैं, कितनी मुश्किल होगी, सोचिए आप कि जिन विभाग के रिकॉर्ड जला दिए गए हैं उन विभाग के अफसर क्या करेंगे, वो रिकॉर्ड कैसे मिलेंगे। मान लीजिए कंप्यूटर में वो अपलोड नहीं है, ठीक है, आजकल कंप्यूटर का साधन है, सोचिए ना, ये कोई सोचने के लिए आपको कहेगा, ये कोई चैनल नहीं कहता है, हर चैनल खबर दिखाते हैं आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन संजय और हम ठहर गए, विस्तार न्यूज ठहर गया, आपका अपना चैनल ठहर गया, आपको जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है कि मत करिए भाई संजय, ये हमारा आपका तो नुकसान है। बिल्कुल, कुछ हमने ऐसे केस भी देखे कि एक गरीब माँ को अपनी जमीन बेचनी है ताकि उसका बेटा पढ़ाई कर पाए, लेकिन जमीन नहीं बेच पा रहे क्योंकि वहाँ पूरा कलेक्ट्रेट कार्यालय जो है वो जल गया, तहसील के काम रुक गए हैं। सोचिए, ये छोटी छोटी कहानियां जो होती है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, उस माँ का क्या कसूर था, उस बाप का क्या कसूर होगा जिसकी बेटी की शादी होनी होगी। लेकिन इसे एक आगजनी की घटना के बाद ये सारी चीजें रुक गई। और संजय सियासत करने वाले डालिए जरा मायावती का ट्वीट वॉल पर, डालिए, आ रहा हूं संजय मैं आपके पास, ये देखिए छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के, ये देखिए क्या क्या लिख रहे हैं इसके विरोध में, सतनामी समाज गिरोध अमर गुफा में के द्वारा परम पूज। अरे गुरु घासीदास जी को हर कोई पूछता है, हम भी पूछते हैं, लेकिन 10 तारीख की घटना मायावती जी, 10 तारीख की घटना और आपको आज याद आ रहा है, ये आज ये चिंता व्यक्त कर रही है, ये दलित समाज का प्रतिनिधित्व करती है और आज ये चिंता व्यक्त कर रही है, और जिसे चिंता व्यक्त करना है जिन सरकारों को, वो बैठकर बात कर रहे हैं। संजय के पास दोबारा आऊंगा। संजय, ये जो मायावती का ट्वीट इसलिए मैंने दिखाया कि ये नेता तो केवल सियासत करते हैं, समाज को आईना दिखाना, समाज को समझाना, उनसे बात कर लेना, ये क्यों नहीं करते। और न्यूज चैनलों पर भी, न्यूज चैनल क्यों हम इतने दिन बाद इस रिपोर्ट को दिखा रहे हैं, हमारा केवल मकसद ये है कि दोबारा मत करिएगा, अगर हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी ना तो हम और संजय हाथ जोड़ लेंगे, मत करिएगा भाई, हम चौथे स्तंभ हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि आप इस तरह की आगजनी की घटना मत करिए जिससे प्रदेश शर्मसार हो रहा हो। संजय, बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी समस्या है कि इस घटना पे लगातार राजनीति हुई, देखिए कैसे कैसे लोग पकड़ाए, कैसे कैसे लोग गिरफ्त में आए, उनका संबंध बलौदा बाजार से भी नहीं था, मतलब बाहरी लोग थे, वो लोग बलौदा बाजार में आए, वो शांति की नगरी में पहुंचे, गुरु घासीदास की नगरी में पहुंचे और वहां जाकर इस तरह की हिंसा को भड़काया। गुरु घासीदास का संदेश क्या था, सत्य और अहिंसा, लेकिन देखिए उनका जो संदेश था वो धरा का धरा रह गया और यही सबसे दुखद है। संजय, दिखाते रहेंगे हम, आप इसी तरह से रिसर्च करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारी इसी तरह से निभाते रहेंगे। जो न्यूज चैनल इस तरह की खबर से दूर जाते हैं वैसा हम नहीं करेंगे, हमने अपनी टैग लाइन दी है, आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज़।